हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एल्गोरिदम एजुकेशन एंड माय नेम इज़ उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में लिमिट के चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म से रिलेटेड थ्योरम्स एंड वर्किंग रूल को ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। देन इसके बाद फाइनली अब हम लोग एग्जाम्पल को डिस्कशन करेंगे कि जो इंडिटरमिनेट फॉर्म टाइप के जो फंक्शन होते हैं ना, उनके हम लोग लिमिट किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 0/0 को डिस्कशन करेंगे। 0/0 टाइप के जो फंक्शन होते हैं ना, उनके हम लोग लिमिट किस तरीके से निकालते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो और भी इंडिटरमिनेट टाइप के जो फंक्शन है ना, और भी 6 टाइप के और है ना, उनको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से ही हम लोग उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो ये है, इवेल्यूट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों को इस फंक्शन की एक्स टेंस टू जीरो पर लिमिट निकालनी है। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, मतलब इन 7 टाइप के इंडिटरमिनेट फॉर्म में से कोई एक फॉर्म आ रही है या फिर नहीं आ रही है। जब अगर हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रही होगी तभी हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज फिर नहीं करेंगे। ये मैं आपको लास्ट के लेक्चर में नोट पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि एल हॉस्पिटल रूल को हम लोग को तभी अप्लाई करना है जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म टाइप का फंक्शन मिल रहा हो। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे, उससे पहले हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। तो आप लोग को एल हॉस्पिटल रूल तभी अप्लाई करना है जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही हो। तो यहाँ पर आप इसको चेक कीजिए, क्या ये 0 पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है, मतलब 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 1, जो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उनको चेक कीजिए। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं। तो ये तो हो जाएगा 0 इंटू कॉट 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये तो पूरा 0 हो जाएगा और ये बचेगा माइनस 1, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 स्क्वायर ये बच रहा है। तो ये तो इंटरमिनेट फॉर्म नहीं होती है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को अभी अप्लाई नहीं कर सकते। हो सकता है बाद में हम लोग अप्लाई कर पाए, लेकिन अभी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो सॉल्व इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल कॉट एक्स को हम लोग ले सकते हैं, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो ठीक है, हम लोग इसको पुट करके और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो कॉट एक्स की जगह आप लोग पुट कर दीजिए कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो ठीक है, अब आप इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद इस न्यूमरेटर को सॉल्व कीजिए, तो आप लोग को सिंपली मिल जाएगा एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन करना तो नहीं बताऊँगा, आप पेन एंड पेपर साथ लेके बैठिए, नोटबुक अपनी, और कैलकुलेशन करके देखिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिखूंगा, कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा। तो आप लोग को सिंपली सॉल्व करने के बाद ये मिल जाएगा। अब फिर से चेक कीजिए क्या ये इंटरमीडिएट फॉर्म में आ रहा है। तो ठीक है, हम लोग चेक करते हैं। ये तो ऊपर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 0 मतलब 0, तो 0/0 मतलब यहाँ पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, 0/0 की फॉर्म आ रही है। और बेसिकली हम लोग जो अभी एग्जांपल डिस्कशन करेंगे ना, वो 0/0 फॉर्म के ही डिस्कशन करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, देन इसके बाद जो भी और भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, उनको डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम लोग 0/0 को ही देखेंगे। तो यहाँ पर 0/0 हम लोगों को फॉर्म मिल रही है ना, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है। अब हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर आप अप्लाई कर दीजिए। मतलब एल हॉस्पिटल रूल के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, फंक्शन का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव। तो आप डेरिवेटिव कर दीजिए, आप लोगों को डेरिवेटिव तो आता ही होगा ना, ठीक है। तो हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दीजिए, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और यहाँ पर भी आप फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा सकते हैं। तो डेरिवेटिव करने के बाद हम लोगों को मिल जाएगा कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ से ये कॉस एक्स से कॉस एक्स ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव साइन के साथ है और ये नेगेटिव साइन के साथ है। तो सिंपली आप लोगों को फिर क्या मिल जाएगा, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक्स को कॉमन लेके और ऊपर वाले एक्स से नीचे वाला एक्स कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स हट जाएगा ऊपर से, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये सिंपली केवल बचेगा 2। यहाँ पर ये एक्स नहीं है, आप इसको हटा दीजिए, ठीक है, ये एक्स नहीं होगा, आप इसको अपनी नोटबुक में रिमूव कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आप फिर से देखिए क्या ये यहाँ पर
जो इंटरमीडिएट फॉर्म बन रही है या फिर ये नहीं बन रही है। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन जीरो, तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। इसी तरीके से टू इंटू साइन जीरो, तो साइन जीरो भी जीरो होता है, और एक्स यहाँ पर एक्स आ रहा है तो इस वजह से ये पूरा कॉस के साथ है तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो मतलब फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है। तो फिर से हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, फिर से एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर देते हैं। तो डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये माइनस कॉस एक्स हो गया क्योंकि माइनस साइन था, तो माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आप क्या कीजिए, कोसाइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है ना, कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा टू कॉस एक्स, यहाँ पर ये एक्स नहीं है ठीक है, तो ये हो जाएगा टू कॉस एक्स। अब जब आप यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओगे डेरिवेटिव करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स ठीक है। अब आप फिर से चेक कीजिए क्या ये इंटरमीडिएट फॉर्म में आ रहा है, तो ठीक है हम लोग चेक करते हैं, कॉस जीरो मतलब वन डिवाइडेड बाई टू इंटू कॉस जीरो माइनस कॉस जीरो माइनस, और ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो ये जीरो हो रहा है यहाँ पर, बाकी ये दोनों तो जीरो नहीं हो रहे और ना ही ये भी जीरो हो रहा है। तो अब इंडिटरमिनेट फॉर्म तो हम लोगों को नहीं मिल रही, मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं मिल रही, ना ही कोई और इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रही है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसकी लिमिट निकाल सकते हैं, तो ठीक है हम लोग एक्स की जगह जीरो पुट कर देते हैं, ऐसी तो लिमिट निकालते हैं ना कि फंक्शन में उस जहाँ पर भी हम लोगों को लिमिट पूछिए वहाँ पर वो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस जीरो, माइनस ऑफ कॉस जीरो क्या होता है, माइनस ऑफ वन ठीक है, तो ये हो गया माइनस ऑफ वन डिवाइडेड बाई टू इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो मतलब वन, तो ये टू हो गया, और प्लस कॉस जीरो मतलब फिर से वन, तो टू प्लस वन थ्री। तो फाइनली आप लोगों को जो इस फंक्शन की जो आप लोगों को लिमिट मिल गई वो मिली माइनस वन बाई थ्री। तो अगर इस फंक्शन की जो लिमिट है वही इस फंक्शन की भी लिमिट होगी ना, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल की जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उनमें मैंने आपको यही बताया था ना कि आप फंक्शन को सिंपली डेरिवेटिव करते जाइए, डेरिवेटिव करने के बाद जिस डेरिवेटिव पर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो और जो भी लिमिट आ रही हो वही लिमिट ओरिजिनल फंक्शन की लिमिट होती है। अगर आपने थ्योरम नहीं पढ़े होंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। वैसे आप एल हॉस्पिटल रूल को लास्ट क्लास में, मतलब वो ग्रेजुएशन में 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। इस वजह से मैं यहाँ पर ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें आती हैं ठीक है। अगर आपका कहीं थोड़ा बहुत डाउट होगा ना तो वो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। वैसे आप इनको, मतलब आप सिंपली इनको अपनी नोटबुक पर सॉल्व कीजिए, ये सॉल्यूशन बिना देखे ठीक है, आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, आप सिंपली केवल अपनी नोटबुक पर सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं आंसर गलत आ रहा है तो फिर आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं ठीक है। तो इस फंक्शन की फाइनली जो हम लोग को लिमिट मिल गई वो क्या मिल गई, माइनस वन बाई थ्री, और ये क्या थी, जीरो बाई जीरो टाइप के फॉर्म में फंक्शन था। यहाँ पर तो हम लोगों को नहीं दिख रहा था कि ये फंक्शन जीरो बाई जीरो के फॉर्म में होगा, लेकिन जब हमने इसको सिंपली सॉल्व किया ना तब हम लोगों को दिखा कि हाँ ये जो फंक्शन था ना वो जीरो बाई जीरो टाइप का फंक्शन था। इस वजह से फिर हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई किया और हम लोगों ने इसकी लिमिट निकाली, तो इस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो होगी माइनस वन बाई थ्री। तो इसी तरीके से हम लोग सभी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, चाहे वो किसी भी टाइप की इनडिटरमिनेट फॉर्म का हो। और जो दो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है ना, जीरो बाई जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये फंडामेंटल फॉर्म ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है ना, क्योंकि किसी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म को हम लोग इन दो टाइप के इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी टाइप के फॉर्म को ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म को। एक एग्जांपल और है, हम लोग उनको भी डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, वैल्यूड एक्स टेंस टू जीरो साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये इंटरमीडिएट फॉर्म में आ रहा है या फिर ये नहीं आ रहा है। तो हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक जीरो माइनस साइन जीरो डिवाइडेड बाई एक्स मतलब जीरो इंटू साइन स्क्वायर जीरो। तो यहाँ पर तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई नहीं करें, क्योंकि सबसे पहले ना हम इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना ये बहुत भयंकर सा दिख रहा है, भयंकर तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ इसको हम लोग थोड़ा सिंपल कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। वैसे आप यहाँ पर भी एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए, उससे भी आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सेम ही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको थोड़ा सा सिंपल कर लें। सिंपल किस तरीके से, कि हम लोग डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो वो तो सेम ही रहेगा ना। और ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसको हम लोग होल ब्रैकेट के साथ लिख देते हैं इस तरीके से। अब जब हम डिनोमिनेटर में ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, मतलब ऊपर नीचे एक्स एक्स लिखेंगे, तो वो किस तरीके से हो जाएगा, मतलब यहाँ पर तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, एक्स है,
यहाँ पर, हाँ सॉरी, मैंने अभी आपको x बताया था ना, यहाँ पर हम लोग x स्क्वायर का, ठीक है, x स्क्वायर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तो x क्यूब हो जाएगा, और साइन स्क्वायर को हम लोग इसके साथ रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू सॉरी x डिवाइडेड बाई साइन x का होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब हम लोगों ने स्टैंडर्ड फंक्शन की जो हम लोगों ने लिमिट पढ़ी थी ना, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि x डिवाइडेड बाई साइन x की जो लिमिट होती है वो क्या होती है, x टेंड्स टू जीरो पर वन होती है। और यहाँ पर हम लोगों को लिमिट किसकी निकालनी है, x टेंड्स टू जीरो पर ही इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। तो इस फंक्शन की भी लिमिट सिंपली क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, क्योंकि x डिवाइडेड बाई साइन x की लिमिट क्या होती है, वन होती है, और वन का स्क्वायर वन ही रहेगा। तो आपको एक थ्योरम ध्यान है ना, लगभग पता नहीं मुझे याद नहीं है कौन से लेक्चर में मैंने आपको थ्योरम बताई थी, लेकिन थ्योरम ये थी कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इंटू g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू c g ऑफ x। तो वही उसी थ्योरम का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, इस लिमिट को सेपरेट कर दिया है इस फंक्शन के साथ और इस फंक्शन के साथ, तो ये तो सिंपली वन हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने वन लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन हाइपरबोलिक x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई x क्यूब और इंटू वन। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बिल्कुल सेम फंक्शन इसी जैसा दिख रहा है, हाँ बिल्कुल सेम है, मतलब थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया इसको। तो आप यहाँ पर भी एल हॉस्पिटल अप्लाई करना चाहे तो इस पर कर लीजिए, मैंने यहाँ पर नहीं किया, मैंने इसको थोड़ा सॉल्व किया, देन इसके बाद फिर मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दूंगा। तो जैसे आप करना चाहे ना वैसे आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप ये जरूरी नहीं है कि मेरे वाले मेथड को ही आप कर सकते हैं, बाकी कोई और मेथड नहीं होगा, नहीं, सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। तो मेरे दिमाग में जो आया, जैसा मेथड आया वो मैंने आपको बता दिया, हाँ और भी मेथड होंगे तो आप कीजिए, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये आया तो मैं आपको फिर यही वाला बता रहा हूँ, वैसे आप खुद से भी कीजिए, बहुत सारे हैं। अब हम यहाँ पर इसका क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव, क्योंकि जीरो बाई जीरो की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आ रहा था, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आ रहा है तो यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन से एन एक्स एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फिर से चेक करते हैं क्या ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में आ रहा है, कॉस हाइपरबोलिक जीरो मतलब क्या होता है वन, कॉस जीरो वन, और ये थ्री एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो ठीक है, वन माइनस वन मतलब जीरो, तो जीरो बाई जीरो की फॉर्म में फिर से आ रहा है, मतलब एल हॉस्पिटल रूल हम लोग को फिर से अप्लाई करना है। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा टू आके आएगा, तो थ्री इंटू टू मतलब सिक्स एक्स, ठीक है। तो ये आ गया, हम लोग इसको फिर से चेक करते हैं क्या ये जीरो बाई जीरो के फॉर्म में आ रहा है, चेक करते हैं, साइन हाइपरबोलिक जीरो साइन जीरो डिवाइडेड बाई सिक्स इंटू जीरो, हाँ जीरो बाई जीरो के फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब फिर से डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फिर से करेंगे, साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई सिक्स, क्योंकि एक्स है ना, एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है वन होता है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर सिक्स इंटू वन। तो अब हम लोग फिर से चेक करते हैं क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, तो अब तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम लोगों को क्या मिल गया, सिक्स मिल गया, कॉन्स्टेंट है, तो अब तो इंडिटरमिनेट फॉर्म का कोई चांस बनता ही नहीं है कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में मिले। तो अब हम लोगों को इसकी लिमिट निकालनी है, तो लिमिट निकालने के लिए एक्स की जीरो पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक जीरो प्लस कॉस जीरो, कॉस हाइपरबोलिक जीरो क्या होता है उसकी वैल्यू वन होती है, कॉस जीरो क्या होता है वन होता है, तो वन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स मतलब टू डिवाइडेड बाई सिक्स, और टू डिवाइडेड बाई सिक्स का मतलब वन बाई थ्री। तो इस फंक्शन की जो हम लोगों को लिमिट वो क्या मिल गई, वन बाई थ्री। तो इस फंक्शन की जो लिमिट अगर वन बाई थ्री है तो फिर इस फंक्शन की भी लिमिट क्या होगी, वन बाई थ्री, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई किया है, और यहाँ पर भी हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते थे, हाँ तो अगर आप करना चाहें तो एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी जीरो बाई जीरो की फॉर्म आ रही है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सिंपली कर लिया, सिंपली क्या, ये मैंने थोड़ा सा ना और ज़्यादा अपने लिए प्रॉब्लम ही और बढ़ा लिया, यहाँ पर अभी तो एक एक्स था, मैंने इसको थोड़ा और मतलब मॉडिफाई करके ना एक्स क्यूब और कर लिया, तो आप सोच रहे हो मैंने तो अपने लिए थोड़ी और ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब मुसीबत में डाल लिया मैंने अपने आप को, नहीं पर जो भी है अब जैसे ही मेरे दिमाग में आया मैंने वैसे आपको बता दिया। अब मैं मतलब रट्टा मार के तो नहीं आया था ना कि नहीं आप लोगों को ऐसे ही कराना है, मैंने लिखा जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने आपको बता दिया। और हाँ हम लोग मतलब जो भी करते हैं ना वो एक मतलब मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं मतलब कहीं भी कुछ भी लिख रहे हैं वो नहीं हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मुझे समझ आया वैसे मैंने आपको बताया, आप लोग किसी और तरीके से भी करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो आपको ये दोनों एग्जांपल अच्छे से समझ आए होंगे, ये वाला एग्जांपल भी और ये वाला एग्जांपल भी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को, पहले वर्किंग प्रोसीजर देखें वर्किंग रूल क्या होता है, देन इसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल को करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से ना हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए
और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेस लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आएँ। तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।